कोई हंसिए मत, पप्पू जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ताली बज चुकी है, थोड़ा थोड़ा ताली की गड़गड़ाहट हो चुकी है, ये मान के चलिए आप 400 रुपए की ओर बढ़ते चले। अमेजिंग इलाहाबादी चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं आपके सामने एकदम बहुत गजब गजब का टेढ़ा मेढ़ा समोसा लगा हुआ है, लेकिन ये रस से भरा हुआ है और इसमें बहुत गजब गजब का माल भरा हुआ है। और यह समोसा जो आप लोगों के सामने दिख रहा है अमेजिंग इलाहाबादी चैनल में चैलेंज के रूप में लगा हुआ, जो कि मोदी मौर्य जी की दुकान है। तो यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए हम पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्वीट समोसा लगा हुआ है, तो आज हमारा स्वीट समोसे का चैलेंज है और एक मिनट में 5 समोसे खाने वाले को 400 रुपए पुरस्कार है। तो देखते हैं इस चैलेंज में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन 5 समोसा फिनिश कर पाता है। और इसे चैलेंज में जो टर्म्स और कंडीशन है वो भी हम बता देना चाहते हैं। कोई अगर एक समोसा, दो समोसा, तीन समोसा कितना भी खा के हट सकता है, जबरदस्ती अगर वो खा सकता है तो भी 5 समोसा खाए, अगर नहीं खा सकता है तो 5 समोसा खाने की कोशिश ना करे, कोई पैसा नहीं लगेगा, जितना समोसा मर्जी खाए। अगर 5 समोसा खा लेगा तो उसको 400 रुपए की राशि मिलेगी, अगर नहीं खा पाएगा तो कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो देखते हैं इस चैलेंज में पहले पार्टिसिपेट कौन करता है और चैलेंजर को बुलाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। पहले चैलेंजर के रूप में भैया जी आए हैं, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामनिधि पटेल। डॉक्टर रामनिधि पटेल जी, आप कहाँ के निवासी हैं? देवापुर। देवापुर की धरती से चलकर आए हुए हैं, नसरतपुर चौराहे पर जो हमारा चैलेंज लगा हुआ है उसको स्वीकार किए हैं। तो पवन जी, क्या आप कुछ बता सकते हैं कि यहाँ चैलेंज पूरा हो सकता है? डॉक्टर जी आए हैं, हौसला दिखाए हैं, जबकि जैसे कि सीनियर सिटीजन है थोड़े, अगर डॉक्टर जी 4 समोसा भी खा लेंगे तो इनको 400 रुपए की राशि दे दी जाएगी। तो देखते हैं डॉक्टर साहब 4 समोसे तक पहुंच पाएंगे या नहीं। तो शुरू हो जाएगी, टाइमर चालू कर दीजिए पवन जी डॉक्टर जी के लिए। तो टाइमर चालू हो चुका है, तो डॉक्टर जी खाना भी चालू कर दिए हैं। डॉक्टर जी आप ध्यान दीजिएगा कि आपके साथ जो समोसा खा रहे हैं उसके साथ पानी भी है, पानी का भी यूज कर सकते हैं। ए भैया आप लोग हंसाइए मत, अगर आराम से खाइए, आराम से खाइए, अभी समय, अभी आपके पास बहुत समय है, आराम से खाते रहिए। डॉक्टर साहब जी थोड़ा सा मुंह इधर करेंगे तो हम लोग, हाँ चलिए ठीक है, ठीक है, पानी वाले नहीं बोले, बहुत गजब कर रहे हैं डॉक्टर जी। डॉक्टर जी के हौसला को दाद देना पड़ेगा, जो जैसे खाए वैसे खाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमेजिंग इलाहाबादी चैनल पर आप जाइएगा, सर्च करिएगा, आपके ग्राम सभा का यह वीडियो 3 समोसा खा पाए दिख जाएगा। और डॉक्टर साहब के हौसले के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक बार ताली बजा दीजिए डॉक्टर जी के लिए, यहाँ पर डॉक्टर जी के लिए ताली बज गई है। और डॉक्टर जी हमारे चैनल में आए और हौसला दिखाए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों पवन जी, और देखते हैं अगला चैलेंजर कौन आता है और कितने समोसे। चैलेंजर के रूप में भैया जी आए, क्या नाम है आपका? गब्बर। और जी बाप रे, इनका नाम सुन के डर लग गया, कहाँ के निवासी हैं? सराय दत्ते की धरती से चलकर आए हैं गब्बर, बहुत भयंकर नाम बता रहे हैं गब्बर। तो गब्बर जी आप चालू हो जाइए, पूछ लीजिए सांभा कितने आदमी हैं, यहाँ पूछ लीजिए सांभा कितना समोसा है, यहाँ केवल 5 समोसा खाने पे 400 रुपए है आपके लिए। बहुत बढ़िया, आराम से खाते रहिए, आप खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान दीजिएगा कि कहीं जो उसमें मटेरियल है आपके बनियान के अंदर न चला जाए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, देखते हैं डॉक्टर साहब से आगे जा पाएंगे, डॉक्टर साहब से भी पीछे रह जाएंगे। कहीं बोला था यार, जब इच्छा हो उठी बैठी, कहे बोला था, क्योंकि डॉक्टर साहब तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं पवन जी, मोदी मौर्य जी के दुकान पे जो समोसा बना है बहुत गजब का समोसा बना है, एकदम मुलायम समोसा है, बहुत बढ़िया समोसा है, एकदम खस्तेदार समोसा है, खा सकते हैं आप लोग। और ये भाई और भैया जी भी कह रहे हैं कि एकदम खस्तेदार समोसा है, एक समोसा भी नहीं खा पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा दीजिए यार भैया जी के लिए, कम से कम एक समोसा नहीं खा पाए। मतलब स्वाद लेने के लिए, चेक करने के लिए आए थे भाई साहब, समोसा बढ़िया है कि नहीं। भाई साहब आइए, भाई साहब, भाई साहब तो अंदर जात, हाँ भाई, भाई साहब के दांत थोड़े कमजोर हो गए हैं, डॉक्टर साहब से थोड़े ज्यादा कमजोर हो गए हैं।
डॉक्टर साहब के दांत सब स्ट्रॉन्ग थे और भाई साहब आए हौसला दिखाए, भाई साहब को धन्यवाद। इंजर के रूप में आए हैं, क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? गहतपुर की धरती से चलकर आए हैं पप्पू जी। तो आप टाइमर चालू कर दीजिए पवन जी, टाइमर चालू हो चुका है और पप्पू जी के मुंह का स्पीड भी चालू हो चुका है। ए भाई कोई हंसिएगा मत, कोई हंसिए मत, पप्पू जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ताली बज चुकी है, थोड़ा थोड़ा ताली की गड़गड़ाहट हो चुकी है। ये मान के चलिए आप 400 रुपए की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, आप पानी का प्रयोग करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी, आज आप नसरतपुर की धरती चौराहा को आगे ले जाने वाले हैं। आराम से खाइए, बहुत समय है, पानी पी लीजिए। गजल यार पप्पू के लिए ताली बजाइए यार यहाँ पे। बहुत जोरदार तालियां बज रही हैं और ये देखिए फिर बजाओ इसे, यहाँ पर ताली बज रही है। और 58 सेकंड हुआ लेकिन पप्पू हरपुर से आए और 500 समोसा 58 सेकंड में बिल्कुल ताली वाले पीक एकदम साफ कर दिए हैं। ताली बजाओ यार गजल के यार। पप्पू जी ये बताइए, अभी यहाँ पर भैया जी आए थे गब्बर जी, वो कह रहे थे कि ये कुचा है, मतलब बहुत गड़ रहा है, दांत दर्द नहीं रहा, क्या दिक्कत है? समोसे में कोई दिक्कत है? समोसा नंबर को वन का है ना, तो मोदी मौर्य जी के दुकान पर समोसा बहुत अच्छा बनता है। पप्पू जी ये बताइए, समोसा खा के कैसे लगा आपको? बहुत मस्त, मजा आ गया ना। तो पैसे पा गए? अभी पैसा नहीं पाए हैं, गिना जा रहा है, मिल गया ना, एक बार दिखा दीजिए गिन के यार। बहुत गजब, ताली बजा दीजिए यार पप्पू जी के लिए। पप्पू जी पैसा पाए, आप हमारे चैनल में जीत हासिल किए आज नसरतपुर। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और पप्पू गहतपुर से आए और इस चैलेंज में पार्टिसिपेट किए और खत्म कर दिए। और पप्पू जी का फेवरेट हमेशा छोला था, लेकिन आज समोसा भी हो गया है, मीठा वाला भी। तो चाहेंगे पप्पू जी का हम धन्यवाद कर रहे हैं और देखते हैं अगला चैलेंज के रूप में कौन आता है और 5 समोसा फिनिश करके 400 रुपए की राशि और लेकर जाता है। गजब के यार, अभी चैलेंज बंद नहीं हुआ है, अभी चैलेंज चालू है। चलिए देखते हैं कि अगले चैलेंजर के रूप में कौन आते हैं। तो आज पप्पू जी यहाँ नसरतपुर धरती को एकदम हरा भर कर दिए हैं। हम लोगों ने देखा है पप्पू गहतपुर से आए और एक मिनट से पहले ही 5 समोसा फिनिश करके और 400 रुपए की राशि लेकर चले गए। और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं लेकिन कोई चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो इसलिए हम बच्चों को चाहेंगे जितने बच्चे हैं यहाँ पर लाइन से खड़े हो जाएंगे और समोसा लेकर जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जब चैलेंज समाप्त हो जाता है तो चैलेंज में जो भी चीज बचा रहता है बच्चों में बांटा जाता है। तो इस समय पवन जी बच्चों में मीठा समोसा बांट रहे हैं, मीठा समोसा की बात ही कुछ और है। और बूढ़े बच्चे भी ले सकते हैं। यहाँ नसरतपुर चौराहे पर हमारा चैलेंज लगा हुआ है। हमारे चैलेंज इस चैलेंजिंग वीडियो को देखने के लिए आप लोग अमेजिंग इलाहाबादी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा, उस पर अनेक प्रकार के चैलेंजिंग वीडियो